छोड़िए प्लीज, मुझे उसमें करेगा। सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन में आया है सुपर नेचुरल पावर वाला ड्रामा, जहां मोहन के शरीर में आ गई है तुलसी की आत्मा। और इस बात से घर वाले हैं परेशान, और वो मोहन को इससे छुटकारा दिलाने के लिए लेकर आए हैं घर में तांत्रिक को, ताकि वो झाड़ फूंक करके मोहन के शरीर से निकाल सके तुलसी की आत्मा। लेकिन यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट, जब मोहन तांत्रिक को देखकर होता है गुस्सा और फिर करता है उस तांत्रिक की जमकर पिटाई। भैया प्लीज हो जाए, मर जाएगा वो। राधा गई सर, राधा चली गई सर। लेकिन तभी वहां राधा आ जाती है बांके बिहारी जी की मूर्ति को हाथ में लेकर, जिसे देखकर मोहन थर थर कांपने लगता है, और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और जो सीन अभी आप सब ने देखा, उस सीन में जो तांत्रिक बाबा को राधा ने पूरे फैमिली के अगेंस्ट जाकर बुलाया है, वो तुलसी को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, पर तभी जो तुलसी है जो मोहन जी के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बाबा जी पर हमला कर देती है। किसी तरह से फैमिली उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तब तुलसी यानी मोहन जी गुस्से में टेबल उठा लेते हैं, पर राधा को उस टाइम पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, वो है बांके बिहारी जी और उनके मंत्र। तो बांके बिहारी जी लाती है और मंत्र बोलने लगती है, जिसकी वजह से तुलसी जी कमज़ोर पड़ने लगती है, और जैसे ही मोहन जी की बॉडी बेड पे गिरती है, सब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं, और फिर बाबा जी कुछ मंत्र बोलते हैं तो उनकी आत्मा वश में आ जाती है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छी बात भी मुझे लगती है, क्योंकि इतने बिजी लाइफ में आपको ना भगवद गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और जब आपको भगवद गीता में से इतने सारे श्लोक और उसके मतलब समझ में आ जाए, सो सॉरी मुझे बहुत सर्दी हो गई है, बट जब आपको भगवद गीता के इतने सारे मंत्र श्लोक ये सब मीनिंग्स के साथ याद हो जाते, तो आपको बहुत खुशी होती है, और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर जी हैं, जस्ट मिनट टिश्यू देना ना, तो भगवद गीता के श्लोक जब आपको उनके मीनिंग्स के सहित याद हो जाते हैं, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। तो इस शो के ज़रिए जो मुझे मिला है, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, पर उसके साथ तो मुझे ये श्लोक्स भी मिले हैं, तो मैं अपने प्रोड्यूसर जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतने सारे श्लोक्स, इतने सब कुछ।
थैंक यू. देखिए हम छोटा मोटा तो कुछ करते ही नहीं है, जो करते हैं बड़ा ही करते हैं. हाईजैक कर लिया, बोरवेल कर लिया, तो अब मोहन की बारी है. हर बार किसी और की बारी होती है, इस बार मोहन की बारी है. जैसे आप लोगों ने प्रोमो देखा ही होगा, प्रोमो में आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मोहन पर, मोहन के शरीर पर तुलसी की आत्मा यानी कि मेरी पहली बहू की आत्मा हावी हो गई है. और अब बस यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कैसे मोहन को इन सारी तकलीफों से दूर रखा जाए. देखिए मैं सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बिलीव करती हूँ कि देर इज़ सम नेगेटिविटी इन दिस यूनिवर्स. और हम जैसे हमेशा कोशिश करते हैं और हम ये मैनिफेस्ट करते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, पर ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है. ये एक कॉइन की दो साइड्स हैं. जैसे चिराग के तले बहुत, हाँ दीपक के तले बहुत सारा अंधेरा होता है. ऊपर तो ऊपर आपको सब कुछ रोशनी रोशनी दिखती है, बट या देर इज समथिंग विच वी कैन नॉट एक्सप्लेन. सो या जैसे कहा ना, फ्लिप साइड, हर कॉइन की दो साइड्स होती हैं. अगर अंधेरा है तो भगवान बहुत सारा उजाला है. अगर हम ये मानते हैं कि नेगेटिविटी है, और हम वैसे भारत भर के लोग या हम, हाँ इंडियंस, हम ज़्यादा फेथ में मानते हैं और हम ये बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है. तो बस राधा की ये छोटी सी कोशिश है, जैसे हमेशा बाकी बिहारी जी ने उसका साथ दिया है, इस बार भी बाकी बिहारी जी उसका साथ देने के लिए आ गए हैं. तो अब ये नेगेटिविटी हम हमारे घर से कैसे हटाएंगे, ये अगला आपके लिए मजेदार किस्सा. वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा.